नैनीताल के भुजियाघाट इलाके में 16वें नेशनल माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के 22 राज्यों के 600 साइक्लिस्ट हिस्सा लिए। पहली बार प्रदेश में हुए इस आयोजन में न सिर्फ एडवेंचर को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि माउंटेन बाइक रेस देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। साइकिल प्रतियोगिता में उत्तराखंड के दो भाई बहन ने इतिहास रचा है, जिसमें भाई कमलेश राणा ने मैन इवेंट रेस में गोल्ड मेडल और टाइम ट्रायल रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। वहीं बहन पूनम राणा ने वुमेन इवेंट रेस में गोल्ड मेडल और टाइम ट्रायल रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भाई कमलेश राणा इंडियन आर्मी से इस रेस में भाग ले रहे थे तो बहन पूनम राणा ने उत्तराखंड साइकिल एसोसिएशन की तरफ से इस रेस में हिस्सा लिया था। एक किलोमीटर का वन लैप था, एक लूप था, जिसके 7 लूप करने थे फर्स्ट स्टार्ट में। तो ये बहुत ही एडवेंचरस है, विद टेक्निकल और एडवेंचर स्पिरिट से भरा हुआ गेम है। बहुत सारा खेल है जिसमें मतलब फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो ये बहुत बहुत बड़ा एडवेंचर माना जाता है। मैं इंडियन आर्मी से पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें मैंने टाइम ट्रायल में भी गोल्ड लिया और मास्टर आर्ट में भी आज गोल्ड लिया है। यहाँ पे अभी उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम यहाँ पे MTB नेशनल्स हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था अच्छा रहा। इसमें मेरा टाइम ट्रेल में गोल्ड है और मास्टर में भी गोल्ड है और हर स्टेट से लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो ये आगे के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम ही अपने स्टेट का मेडल आया हुआ है तो काफ़ी लोगों को और खुशी भी होगी अपने स्टेट पे नेशनल हो रहा है तो और लोग आगे आएंगे इस फील्ड में और आना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए मेडल तो ठीक है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।